ओम श्री गणेशाय नमः माय डियर फ्रेंड्स। तो आज हम एक लव रीडिंग करने वाले हैं और इस लव रीडिंग का ना इतना इंतज़ार था कि मैं क्या बताऊं। अच्छा, सबसे पहले तो आई होप कि आप सब अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में। सबसे पहले आपका, मेरे सब्सक्राइबर्स का और जो भी व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, आई होप आप सब बहुत अच्छा कर रहे होंगे फ्रेंड्स लाइफ में। ये जो हमने आज टॉपिक लिया है उसका नाम है लव टैरो रीडिंग फॉर सिंगल्स। अब देखिए, ये सिंगल जो है, ये सिंगल किसी भी रीज़न से हो सकते हैं आप, चाहे सेपरेशन से, चाहे डिवोर्स से, चाहे बहुत लंबा नो कांटेक्ट हो सकता है, कोई ऐसी सिचुएशन या फिर कोई ऐसा रीज़न कि आपका बहुत ऐसा हो चुका है, परमानेंट ब्रेकअप हो चुका है और काफ़ी लंबा अरसा हो गया है, या आप इंतज़ार कर करके अब ब्रेकअप को एक्सेप्ट कर चुके हैं। सो, क्या ऐसी सिचुएशन में आपके एक्स की वापसी होगी या कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आएगा? रीडिंग हम इस पे करेंगे, ये हमारा मेन एजेंडा रहेगा इस रीडिंग का। दूसरा, इस रीडिंग को एक जनरल रीडिंग की तरह लेना, ज़बरदस्ती अपने ऊपर थोपने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। ये हो सकता है आपके साथ रेजोनेट हो सकता है ना हो, बिकॉज ये बहुत सारे लोग हैं कि साइन के, तो सबकी लाइफ एक जैसी नहीं चल सकती। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो देखिए नंबर ऊपर फ्लैश हो रहा है, आप उस पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, उस पर आपकी पर्सनल रीडिंग होगी आपकी पर्सनल एनर्जी से। सो, उसमें आंसर्स चांसेस हैं कि कुछ और निकले। इसे आप सन मून साइन से या अपनी नाम राशि से भी देख सकते हैं जो आपको ज़्यादा मैच करता है, ठीक है। सो, इसी नोट पे फटाफट से अब रीडिंग को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। सो, जेमिनी यानी कि मिथुन राशि, आइए देखते हैं फ्रेंड्स कि क्या है आपकी एनर्जी। सबसे पहले हम आपकी एनर्जी से स्टार्ट करेंगे, फिर हम देखेंगे कि आप की तरफ कौन आ रहा है, ठीक है, और आपकी जो अभी करंट एनर्जी है वो कैसी चल रही है इस सिंगलहुड में, ठीक है। सो, प्रिंसेस ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, द चैरियट, द लवर्स। देखिए जेमिनी, आप ऑब्वियसली जिस रिलेशनशिप में से अभी निकले हैं या अभी भी फंसे हुए हैं थोड़े से, उस रिलेशनशिप में आपने अपना बेस्ट किया। आप अभी भी उस पर्सन को कहीं ना कहीं ये क्लैरिफाई करना चाहते हैं कि देखिए मैं इस रिलेशनशिप में आज भी एफर्ट डालने को तैयार हूँ। आपकी तरफ से हमेशा ये आता है और मैंने आपकी कितनी रीडिंग्स कर दी, आपकी एनर्जी में इसी तरह की एनर्जीज दिखती हैं। सो, एक चीज़ तो मुझे क्लैरिफाई है कि आप हमेशा रिलेशनशिप को निभाना और बनाना चाहते हैं, बट अब जो चीज़ मुझे दिख रही है वो ये है कि आप एक ऐसे मुकाम पे, एक ऐसे मोड पे आ गए कि आप अब लाइफ में मूव ऑन करना चाहते हैं। आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ें अब समझ आ गई हैं कि मैं अगर इस पर्सन की एनर्जी पे अटकी रहूँगी या अटका रहूँगा तो मुझे लाइफ में कुछ नहीं मिलेगा, और मैं अगर आज सिंगल हूँ तो कहीं ना कहीं ये पर्सन मेरे लिए नहीं बना, तभी इसकी वजह से बार बार मैं सिंगल हो रहा हूँ, ऐसा तो है नहीं, ठीक है। और ये सिंगल इसने आपको एक बार नहीं बनाया, कई बार बनाया। आप कहीं ना कहीं अब अपने बारे में सोचते हैं, और जहाँ आप हमेशा अपने परिवार के बारे में, अपने बिताए हुए वक्त के बारे में सोचते थे, जो आपने टाइम एनर्जी वेस्ट किया इस पर्सन के ऊपर, मैं यही कहूँगी, सॉरी टू से, बट आपने वेस्ट ही किया। अब आपको लगता है कि मुझे अपने फ्यूचर रिलेशनशिप के बारे में सोचना चाहिए और लाइफ को मैं किस तरह से आगे लेके जा सकता हूँ, ये लेके जा सकती हूँ, उसके बारे में सोचना है। तो आप बहुत क्लियर हैं, बहुत समझदारी से अब डिसीजन बना रहे हैं जेमिनी, और यही चाहिए था आपके लिए, ठीक है। मैं देखती हूँ क्या आपका पुराना पर्सन वापसी करेगा, क्या दिख रहा है, या फिर कोई न्यू पर्सन की एनर्जी दिख रही है। सो, जेमिनी की तरफ क्या कोई न्यू पर्सन आएगा या पुराने पर्सन की एनर्जीज दिख रही हैं? द मैजिशियन, द टावर, द फूल एंड टेन ऑफ सोर्ड्स। देखिए, आपकी तरफ कोई न्यू पर्सन आएगा, इस चीज़ को आप बिल्कुल क्लियर कर लें अपने माइंड में। जो भी ये पर्सन है, ये खुद एक बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से, एक बहुत बड़े बदलाव से आएगा। इसकी एनर्जीज बहुत अलग हो जाएंगी, ये ज़िंदगी में अपनी पुरानी सारी चीज़ें, पुरानी बातों को छोड़ के आएगा,
लाइफ में इसके साथ कुछ ऐसा बहुत बुरा हुआ है या कुछ ऐसा बहुत बुरा हो चुका है जिसके बाद ये अब आपके साथ अपनी लाइफ को अबंडेंट करेगा। फिलहाल ये मैनिफेस्टेशन मोड में है, बट अपनी ज़िंदगी को डिस्पाइट ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स, जैसे आपने कहीं ना कहीं अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया है जेमिनी और संभाला है और आगे बढ़े हैं, इसी तरह ये इंसान भी अपनी लाइफ को कहीं ना कहीं अबंडेंटली आगे बढ़ाएगा और देखेगा कि किस तरह से इसे ज़िंदगी को आगे लेना है, किस तरह से आगे का पाथ बनाना है। सो मुझे तो ये एक न्यू पर्सन, न्यू एनर्जी दिख रही है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग जेमिनी, क्योंकि पास्ट पर्सन की तरफ से तो हमेशा ही मुझे जो एनर्जीज दिखती हैं वो ठीक नहीं दिख रही हैं जेमिनी के लिए। यही दिख रहा है कि वो एवरी टाइम बस जेमिनी को इग्नोर कर रहा है और अपने बारे में सोच रहा है। बट ये जो एनर्जी आई है, आज आ रही है कि कोई अपनी प्रॉब्लम से निकल कर लाइफ में न्यू बिगिनिंग करना चाहता है और मैनिफेस्टेशंस कर रहा है आगे बढ़ने का। सो ये जेमिनी के लिए एक अच्छी बात है। जेमिनी, आपको क्या करना चाहिए? लव ओरेकल से आपके लिए कार्ड्स निकालेंगे, देखेंगे कि लाइफ में ओवरऑल आपको किस तरह से चलना चाहिए। जेमिनी, आपके लिए बहुत अच्छा एक ब्यूटीफुल कार्ड आया एंड विच इज़ नर्चर द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप विद इन योर रिलेशनशिप एंड योर लव लाइफ विल ड्रामेटिकली इम्प्रूव। देखिए, एक चीज़ याद रखना, अच्छे दोस्त होंगे तो उनमें प्यार ज़रूर हो जाएगा, ये हमेशा। बट जो दोस्ती होती है ना, वो इतनी इम्पॉर्टेंट होती है, वो सबसे ज़्यादा। सो दोस्त सबसे पहले, आप जिस भी पर्सन के साथ रिलेशनशिप में जाएं, उसके एक अच्छे दोस्त बने, उसकी प्रॉब्लम्स को सुने, उसे समझें, उसको अंडरस्टैंड करें। जब आप दोस्ती रखेंगे उसके बाद आप अगर प्यार में जाएंगे तो बहुत आसान होगा चीज़ों में, ठीक है। लेकिन अगर आप डायरेक्ट ही चले जाएंगे रिलेशनशिप में तो वहाँ पर वो दोस्ती का एक स्कोप नहीं रहता। नेक्स्ट है, डोंट मेक डिसीजंस बेस्ड ऑन गिल्ट और व्हाट यू थिंक यू शुड डू, फॉर इट इज़ ओनली इन बीइंग ट्रू टू योर सेल्फ दैट यू कैन बी ट्रू टू अदर्स। आप कोई भी डिसीजन जेमिनी गिल्ट के बेसिस पर या ये मत सोच के बनाएं कि दुनिया क्या सोचेगी, अदर्स क्या सोचेंगे, मेरे रिश्तेदार, मेरी फैमिली, मेरे भाई, मेरा ढिमकाना, मेरा पड़ोसी क्या सोचेगा, ठीक है। कोई सोचता है तो सोचता रहे, आपको ये सोचना है कि आप क्या चाहते हो, आपकी लाइफ में क्या चाहिए। आपने सबसे पहले अपने बारे में सोचना है और फिर सबके बारे में बाद में सोचना है, ठीक है। सो सच्चाई के साथ अपने डिसीजंस को बनाओ और सफ़र करने की और घुट घुट के लाइफ को जीने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो ये है माय डियर जेमिनी आपकी रीडिंग एंड आई होप फ्रेंड्स कि आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिली हो इससे। अगर ऐसा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मैं आपसे अगली रीडिंग में मिलूंगी फ्रेंड्स। बाय फॉर नाउ।